बीते मंगलवार को जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली जब सिविल अस्पताल में दिव्यांग बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ करने गए तो वहां पहले से मौजूद किसानों ने उनका विरोध किया। हालात ये हो गए कि पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। इस दौरान विधायक की गाड़ी पर हमला हुआ, किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इस हमले में विधायक के सचिव के चोट लग गई थी। इस मामले में विधायक की तरफ से केस दर्ज कराया गया था, जिसके चलते पुलिस ने बीती सुबह कार्रवाई की। इसी के चलते जब पुलिस की टीम सुबह करीब 5 बजे हैदरवाला में किसान नेता रमनदीप को गिरफ्तार करने पहुंची तो परिजनों ने इस कार्रवाई का वीडियो बना लिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। आ देखो जी, मोबाइल है आज ही तड़को तड़की रहते हैं। मैं मेरे घर नु घेरा पा रखे। आ देखो खोली ना बाहर ना खोल। आ देखो जी सवेर सवेर का टाइम है, खड़ो इथे। नाम की है थोड़ा? नाम दसो, उत्ते बड़ो। मेरे घर कि बड़े तुसी? हैं मेरे कमरे च वीडियो बना बना ला बना ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਹਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਕਾਮ ਮੇ ਬਾਧਾ ਡਾਲੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਰਦੀ ਗਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਾ ਜਾ ਤੂੰ ਵਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉੱਤੇ ਵਰਦੀ ਤੂੰ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ इससे पहले पुलिस की टीम ने टोहाना के कई गांवों में जाकर किसान नेताओं के घर छापेमारी की, जिसमें अमानी और हैदरवाला गांव शामिल है। जिस वक्त पुलिस की टीम ने शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के संयोजक रमनदीप रम्बी के घर गांव हैदरवाला में छापेमारी की, तब घर के सभी लोग सो रहे थे। अचानक घर में पुलिस की एंट्री देख कर सब डर गए। पुलिस ने रमनदीप के भाई के कमरे की तलाशी ली, मगर रमनदीप घर पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई। सूत्रों की माने तो पुलिस की टीम 233 नंबर केस में किसान नेता की गिरफ्तारी के लिए हैदरवाला, फतेहपुरी, अमानी व अन्य गांव में छापेमारी कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किसे किसे गिरफ्तार करती है। टोहाना से सुशील चिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।